गोरखपुर योनेक्स सनराइज प्रकाश नारायण श्रीवास्तव स्मृति यूपी स्टेट मेजर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में 15 एवं 17 वर्ष के खिलाड़ी एकल युगल तथा मिश्रित मैच खेलेंगे। इसमें पूरे प्रदेश से लगभग 400 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में 17 वर्ष से कम बालक वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त स्मित सिंह अलीगढ़ तथा बालिकाओं में 17 वर्ष में शीर्ष वरीयता प्राप्त देवांशी गौतम आगरा की भी प्रतिभागिता होंगी। प्रतियोगिता लेविंस बैडमिंटन अकेडमी निकट लिटिल फ्लावर स्कूल धर्मपुर गोरखपुर में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 1,00,000 रुपए है, जो सभी वर्गों में सेमीफाइनल व फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों में बांटी जाएगी। इस प्रतियोगिता के सफल प्रतियोगी सीधे यूपी टीम में चयनित होंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन 25 जुलाई 2024 को सायंकाल 4 बजे माननीय प्रदीप शुक्ला विधायक सहजनवा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि श्री संजय मीणा मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर के कर कमलों द्वारा होगा। समापन एवं पुरस्कार वितरण 28 जुलाई 2024 को अपराह्न 4 बजे किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक श्री राजीत श्रीवास्तव होंगे। प्रतियोगिता के निर्णायकों में अंतर्राष्ट्रीय अंपायर श्री रवि दीक्षित एवं मनीष कुमार सहारनपुर, अंशुल सहारनपुर, धर्मेंद्र सिंह, राहुल घोष, मोहसिन रजा, सत्येंद्र उपाध्याय आजमगढ़, नरेंद्र शाह कानपुर, महीप सक्सेना होंगे। ये जानकारी महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक एवं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मनकेश्वर नाथ पांडेय एवं सचिव गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन राजीत श्रीवास्तव ने एक संयुक्त प्रेसवार्ता में दी। प्रेसवार्ता में महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री ओपी सिंह भी उपस्थित थे। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज की यह प्रेस वार्ता महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की परंपरा जो हर छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 115 वर्षों से इस नगर में इस पूर्वांचल में कार्यरत है महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज और उसको संचालित करने वाली सोसाइटी नेशनल रिजर्व सोसाइटी। हम अपने पूर्व सचिव स्वर्गीय प्रकाश राज श्रीवास्तव जो कि बैडमिंटन जगत से बहुत गंभीरता के साथ जुड़े रहे, गोरखपुर बैडमिंटन संघ के वो सचिव रहे, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के वो सचिव रहे, स्वर्गीय फजील अहमद के साथ उन्होंने बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं यहाँ पर कराई, उनकी स्मृति में हम 2002 से हर वर्ष छोटे बच्चों के लिए अंडर 13, अंडर 15, 17 इस तरह की प्रतियोगिताएं बॉयज और गर्ल्स के लिए यूपी स्तर की कराते हैं। इसमें पूरे प्रदेश से लगभग 400 खिलाड़ी इस बार संभावना है कि वो प्रतिभाग करेंगे। पूरा प्रदेश हर जगह से नोएडा गाजियाबाद से लेकर झांसी और इधर आपका बनारस इलाहाबाद लखनऊ हर जगह से प्लेयर आ रहे हैं, फैजाबाद आजमगढ़। हम लोग इस बार यह प्रतियोगिता 25 अगस्त को प्रारंभ कर रहे हैं लेविंस एकेडमी में शाम 4 बजे, जिसका उद्घाटन माननीय प्रदीप शुक्ला जी विधायक सहजनवा और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री संजय मीणा साहब जो कि मुख्य विकास अधिकारी हैं, स्वयं खेल के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बैडमिंटन खेलते हैं रेगुलर, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। और इस प्रतियोगिता जो 4 दिन चलेगी इसका पुरस्कार वितरण 28 अगस्त दिन रविवार को शाम 4 बजे लेविंस एकेडमी में होगा। अगर प्रतिभागियों की संख्या और बढ़ती है तो हम लोग इस प्रतियोगिता को गर्ल्स के लिए रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम पे आयोजित करेंगे, लड़कियां यहाँ खेलेंगी और बॉयज का वहां पे होगा, लेकिन उद्घाटन और समापन और फाइनल मैच लेविंस एकेडमी में ही होगा। इसमें एम्पायर सहारनपुर आजमगढ़ कानपुर से आ रहे हैं, मुख्य निर्णायक इसमें हमारे माननीय राजेश श्रीवास्तव जी ही हैं, यूपीबीए ने इनको बनाया है जो कि गोरखपुर बैडमिंटन संघ के सचिव भी हैं, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी जो प्रधानाचार्य वो भी हमारे साथ हैं। यह 1,00,000 की इनामी प्रतियोगिता है जो कि हम सेमीफाइनल तक जो प्लेयर पहुंच जाएंगे उनके बीच में वितरित करेंगे फाइनल तक। इस बार विजेता को एक कप भी हम लोग दे रहे हैं ताकि उनकी स्मृति में यह प्रतियोगिता बनी रहे। जो इसका लाभ मिलता है वो ये है कि हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के बैडमिंटन प्लेयर जो छोटे बच्चे खेलते हैं प्रतिदिन और इस नगर के अन्य विद्यालय के बच्चों को इस तरह की प्रतियोगिता को देखने का अवसर मिलता है,
वहां पर आयोजन समिति उनको जो प्लेयर इस तरह होते हैं उनको लाइनमैन के रूप में भी प्रशिक्षण देती है, तो वो खेल की बारीकियों को समझते हैं। इस तरह हम इस नगर में बैडमिंटन खिलाड़ियों की एक नई पौध पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार इस प्रतियोगिता के आयोजन से। और आप सभी को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि संभवतः सितंबर में मेजर टूर्नामेंट मेंस का भी यहाँ गोरखपुर में यूपी बीए ने गोरखपुर को दिया है, जो स्वर्गीय चंद साहब के मार्कंडेय चंद साहब की स्मृति में आयोजित की जाएगी। और हम लोगों का प्रयास है, अब गोरखपुर की बैडमिंटन एसोसिएशन सक्षम हो चुकी है और मैंने राजीव भैया से निवेदन किया है कि अब एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट गोरखपुर में फाइव स्टार होटल भी है, सभी अधिकारियों खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था भी हो सकती है। नगर में इस वक्त 4 इलेवेंस अकेडमी में, 3 रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में और 3 रेलवे स्टेडियम में, सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में बैडमिंटन के कोर्ट जो कि टर्फ कोर्ट हैं उनका निर्माण हो चुका है। तो हम लोग नेशनल कराने के बारे में भी योजना बना रहे हैं कि एक बार पुनः 1973 के बाद 2025 में हम नेशनल के लिए बिड करें और अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोग गोरखपुर के निवासियों को, खिलाड़ी खेल प्रेमियों को एक अच्छी प्रतियोगिता दे सकें।